सो हाय गाइस, दोबारा अपने गेम के अंदर आने वाला है रैम्पेज 5.0 का एक बहुत ही बड़ा एंड मेगा इवेंट। और ये रैम्पेज का फाइनल इवेंट है। फाइनल क्यों, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। आप लोग ये जान लो, इस पहले रैम्पेज इवेंट 5.0 का चलते आपको बहुत से फ्री के रिवॉर्ड्स दिया जाने वाला है, जो कि बहुत ही स्पेशल रहेगा आप सबके लिए, जिसके अंदर बंडल मिलेंगे, गन स्किन, इमोट, मैजिक क्यूब फ्री में, ग्लू वाली स्किन और भी बहुत सब कुछ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सबके बारे में, कौन कौन से रिवॉर्ड्स ऐसा है जो कि फ्री में मिलने वाले हैं, रैम्पेज इवेंट किस डेट से गेम के अंदर स्टार्ट होगा, सब कुछ। एंड साथ ही साथ में गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने कुछ कैरेक्टर एबिलिटी चेंजेस के बारे में, जिसमें कि भाई अपना सिरू भी शामिल है। मतलब इसके अंदर भी कुछ ऐसा चेंजेस किया गया है जो कि अब लोग को कमाल का लगने वाले हैं। अब ऐसा क्या है वो आपको मैं आगे दिखा दूंगा एकदम टेस्ट करके। चलो। एंड साथ ही साथ में गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं अपकमिंग बहुत से न्यू वाउचर दिखाने वाला हूं। मतलब काफी सारे करने वालों ने नया वाउचर तैयार किया है जो कि अपकमिंग टाइम पे गेम के अंदर दिया जाएगा, उसके बारे में आज मैं अपडेट्स दे दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, आज अपडेट दूंगा अपने ज़ॉम्बी समरी बंडल के बारे में, कब तक करने वाले ज़ॉम्बी समरी बंडल को अपने गेम के अंदर बैक कराएंगे। तो इसलिए आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए बिल्कुल आखिर तक, आपको आज की इस वीडियो के अंदर बहुत से अपडेट्स एंड साथ में इन्फॉर्मेशन भी पता चलने वाले हैं। तो आओ गाइस, अब बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने न्यू कुछ कैरेक्टर एबिलिटी के बारे में। गाइस को पहले हम बात करते हैं अपने सिरू के बारे में। अभी तक के टाइम पे इसको जो एबिलिटी है भाई, वो कुछ ऐसे काम करता है, आप लोग को मैं क्लियर कर दूं। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो तो किसी को अगर एनिमी को आपको डैमेज करना है और वो एनिमी मान लो 100 मीटर के अंदर है, तो भाई आप लोग उसको डैमेज करो चाहे ना करो, लेकिन उसका लोकेशन यानी कि उसका मार्क आपको दिख जाएगा, यानी कि जिसके बाद सिरू कैरेक्टर रहेगा। एंड गाइस को अपडेट के बाद यानी कि OB41 के बाद इसके एबिलिटी कुछ ऐसा रहेगा, अगर आपके टीममेट के पास एक भी सिरू अवेलेबल है और अगर आपके पास चारों टीममेट आप लोग गेम प्ले कर रहे हो लेकिन सिर्फ एक ही प्लेयर के पास जो है अपना सिरू कैरेक्टर दिया गया है, तो भाई उसका बेनिफिट आपको ये मिलने वाले हैं। पहले सिर्फ जिनके पास सिरू था उसी को मतलब एनिमी का लोकेशन पता होता था, लेकिन OB41 अपडेट के बाद से गाइस आपके पूरे टीममेट को वो लोकेशन शेयर कर दिया जाएगा कि वहां पर एक टीममेट है मतलब एनिमी है। और दूसरी बात गाइस को यार, पहले सिरू के अंदर मतलब कुछ सेकंड टाइम दे रहा था कि वो कूल डाउन होगा, उसके बाद दोबारा आप लोग उसका स्किल इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन OB41 अपडेट के बाद से भाई सिरू के अंदर से जो कूल डाउन टाइमिंग था उसको पूरा उठा लिया जाएगा, यानी कि वो हमेशा ही ऐसा काम करते रहने वाला है। आप लोग को कूल डाउन के लिए ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ही जब भी आपके 100 मीटर में कोई भी एनिमी रहेगा उसका लोकेशन आपको मिल जाएगा एंड आपके टीममेट को भी वो एनिमी का लोकेशन दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा काम करने वाले हैं आगे से अपना सिरू कैरेक्टर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो अब गाइस यहां पर हम बात करने वाले हैं अपने ज़ॉम्बी समरी बंडल बैक के बारे में कि गाइस ज़ॉम्बी समरी बंडल को गेम के अंदर कब तक बैक दिया जाएगा। आप में से ऐसे बहुत से फैलों को जो कि चाहते हो कि गेम के अंदर दोबारा ज़ॉम्बी समरी बंडल को बैक दे दिया जाए, लेकिन इसका जो लीक गेस मिला था वो मिला था इस टाइम पे जब अपने गेम के अंदर स्टेट वॉर का इवेंट चल रहा था। ऐसे बताया जा रहा था कि स्टेट वॉर इवेंट एंड होने से पहले ही आप सबको गेम के अंदर ज़ॉम्बी समरी बंडल दोबारा बैक देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन गाइस दिया नहीं गया है, ये दुख की बात है। मगर हाँ, कुछ सर्वर ऐसा है जहां पर कि भाई अभी के टाइम पे ज़ॉम्बी समरी बंडल को दोबारा बैक दिया जा रहा है। कहीं पर ये आ रहा है रिंग इवेंट के अंदर, तो भाई कहीं पर ये आ रहा है अपने ओई इवेंट के अंदर। आप लोग यहां पर एक रिंग इवेंट का रिव्यू देख पा रहे हो जहां पर कि भाई ज़ॉम्बी समरी बंडल के साथ में कर्ना का स्किन दिया गया है और गाइस एक ग्लू वॉल का स्किन देखने को मिलता है। साथ ही में भाई यहां पर आपको ग्रेनेड का स्किन, एक व्हीकल स्किन जिसमें कि भाई जीप का स्किन है, साथ में कुछ और भी गाइस आपको आइटम्स जो इस वाले रिंग इवेंट के थ्रू गेम के अंदर दिया जा सकता है। अब ऐसे इवेंट का रिव्यू निकल कर आया है तो हो सकता है कि आप लोग को अपकमिंग टाइम पे ज़ॉम्बी समरी बंडल को गेम के अंदर दे दिया जाए, लेकिन वो आ जाए अपने रिंग इवेंट के अंदर। शायद कुछ आइटम्स यहाँ पर चेंज भी हो सकता है और गाइस को सिर्फ ये भी हो सकता है कि करना वाले अकेले खास करके बस ज़ॉम्बी समरी बंडल को गेम के अंदर अवेलेबल कराएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है फिर आपको एक वेब इवेंट के अंदर ज़ॉम्बी समरी बंडल देखने को मिलने वाले है। अब चाहे तरीका कैसा भी हो, बस डायमंड आपको 2000 तक डायमंड खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही गाइस आप लोगों को ज़ॉम्बी समरी बंडल मिलने वाले हैं। बाकी इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अपने वेपन एडजस्टमेंट के बारे में। गाइस इसके पहले आपको मैंने फार्मास के ऊपर एडजस्टमेंट बताया था, अब यहाँ पर आता है इसके से निकल कर गाइस। बेसिकली देखो यार, कुछ ऐसे लैंग्वेज में यहाँ पर चेंजेस को दिया जा रहा है जो कि भाई हम ट्रांसलेट करके भी एकदम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी हमको पता चल रहा है वो आपको इतना बता दूं, इसकेस के अंदर गाइस आगे से आप लोगों को जो मिड रेंज का डैमेज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। मतलब इसकेस आगे से थोड़ा सा मिड रेंज में ज्यादा डैमेज देगा एंड भाई देखो कुछ लिक्स के अकॉर्डिंग इसकेस के अंदर जो रेट ऑफ फायर है उसको कम किया जा रहा है और इसका जो एक्यूरेंसी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा, ताकि भाई किसी भी एनिमी को आप लोग जब भी आगे से मारोगे फायर करोगे तो भाई अचानक से उसके मतलब बॉडी से जो फायरिंग बुलेट है यानी कि गोली इधर उधर भागेगा नहीं, जिससे भाई आप लोग किसी भी एनिमी को बड़ा आराम से मार सकते हो। एंड एक अच्छी बात है कि यार इसकेस भी आगे से गेम के अंदर एक यूज लायक गन बन जाएगा। फिलहाल तो यार इसकेस को कोई यूज ही नहीं करता है, लेकिन अगर आप लोग को इस तरीके से इसकेस के अंदर अपडेट देखने को मिल जाए यानी कि भाई डैमेज बढ़ जाएगा, एक्यूरेंसी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आगे से भाई ये भी एक यूज करने का लायक गन जो है बन जाएगा। आप देखते हैं करने वाले इसके अंदर और क्या कुछ चेंजेस लाते हैं। अगर हाँ इंग्लिश में कुछ लैंग्वेज में आता है कि यार चेंजेस ऐसा कुछ किया जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा इसको फिर से कवर कर दूंगा। अभी भाई इंग्लिश लैंग्वेज
लैंग्वेज में कुछ भी गन स्किन वेपन एडजस्टमेंट निकल कर नहीं आ रहा है, ये दुख की बात है वैसे। बाकी इसके साथ में बढ़ते वीडियो में आगे, एंड अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपकमिंग कुछ न्यू वाउचर के बारे में। भाई देखो यार, गनरब्रो ने बहुत सारे न्यू वाउचर एंड काफी सारे न्यू टोकन जमा किया है, मतलब कि आप लोग कह सकते हो जो कि हमको एडवांस सर्वर के अंदर दिखा है, लेकिन OB41 अपडेट के बाद वो सारे के सारे वाउचर एंड साथ में टोकन अपने गेम के अंदर आएंगे, जिनमें से कुछ टोकन आप लोग को मिशन कंप्लीट करने पर दे दिया जाएगा ताकि उन टोकन को यूज करके आप लोग फ्री के रिवॉर्ड्स एक्सचेंज कर पाओ। लेकिन टोकन के ऊपर हम थोड़ा बाद में आएंगे अगर टाइम बचेगा वीडियो में, पहले हम बात करते हैं वाउचर के ऊपर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर रिव्यू देख पा रहे हो भाई देखो यार, बहुत सारे वाउचर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनमें भाई सब कुछ की अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। भाई कुछ आप लोग को मिलने वाले व्हाइट और हल्का ब्लैक में, गाइस एक दो वाउचर आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिसके अंदर भाई हीरोइक का सिंबल लगाया गया है। एक आपको मिलने वाले है रेड कलर के साथ में हल्का ब्लैक कलर में, दूसरा आपको मिलने वाले है गोल्डन येलो और ब्लैक में, एंड भाई यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में ब्लू कलर में भी आपको एक वाउचर देखने को मिलेंगे, वो भी आपको मैं आगे जगह दिखा दूंगा। लेकिन गाइस फिलहाल यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये निकल कर आता है कि जब इतने सारे वाउचर को डिजाइन किया गया है तो भाई ये वाउचर हम कहाँ पे खर्च करने वाले हैं और ये सब वाउचर भाई हमको कैसे मिलने वाले हैं एंड इससे हमको क्या कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब सारे वाउचर के नीचे भाई कुछ ना कुछ लिखा गया है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बेसिकली है यूज्ड फॉर प्ले टाइम मिशन। भाई ये जो वाउचर गाइस आपको मिलने वाले ये आपको परमानेंट मिलेगा, यानी कि ये जो गोल्डन कलर का है ब्लैक कलर का है आपको परमानेंट मिलने वाले। वैसे हाँ सारे वाउचर यहाँ पर परमानेंट का ही है, कुछ भी वाउचर चला जाएगा ऐसी बात नहीं है, सारे वाउचर आपको परमानेंट मिलेंगे। और गाइस देखो सारे वाउचर का अलग अलग काम है भाई, कुछ आप लोग को गेम को मिशन कंप्लीट करने के बदले में दिया जाएगा जिसकि आपको मैं कुछ टाइम पहले ही बोला हूँ। फिर उसके बाद गाइस कुछ वाउचर ऐसा है जो कि आप लोग को भाई डायमंड से लेना पड़ेगा, कह सकते हो मिस्ट्री शॉप के अंदर उन वाउचर को दिया जाएगा जिसको लेकर आप लोग अलग अलग रॉयल के अंदर स्पिन कर पाओगे। भाई हो सकता है कि अपकमिंग टाइम पे गेम के अंदर हमको स्पेशल गोल्ड रॉयल देखने को मिले या फिर स्पेशल कुछ ऐसा रॉयल आ जाए जिसके अंदर हमको अलग वाउचर से स्पिन करना पड़ेगा। हालांकि अगर स्पेशल गोल्ड रॉयल आता है उसके अंदर वाउचर आपके पास हो चाहे ना हो आप लोग गोल्ड से स्पिन कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा इवेंट आता है जहां पर आपको डायमंड खर्च करना पड़ेगा तो भाई वहां पर ये वाउचर काम आ जाएगा। एंड आप लोग को अच्छे से पता है रिंग इवेंट के अंदर स्पिन करने के लिए भी गनरब्रो ने कुछ वाउचर तैयार किया है जो कि आपको इसके पहले भी बिल्कुल फ्री में दिया भी गया था। तो बेसिकली गाइस को यही कुछ खास अपडेट था अपने वाउचर कवर। बाकी फिलहाल इसके साथ में अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेंगे अपने रैंपेज इवेंट के चलते मिलने वाले कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। बेसिकली गाइस को इस बार का जो रैंपेज 5.0 अपने गेम के अंदर आने वाले है वो एक बहुत ही बड़ा एंड मेगा इवेंट रहेगा। उसके थीम पे भाई गनरब्रो ने यहाँ पर बहुत से न्यू आइटम्स अपने गेम के अंदर देने के लिए तैयार किया है जिसका रिव्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल भाई ये सब एक डेमो के अकॉर्डिंग आपको मैं रिव्यू दिखा रहा हूँ क्योंकि अपना जो रैंपेज का इस इवेंट है वो थोड़ा सा लेट अपने गेम के अंदर आएगा। उसके पहले जो अदर इवेंट्स है उसको गेम के अंदर दिया जाएगा, जैसे कि भाई 15 अगस्त का इवेंट, वो सब इवेंट अपने गेम के अंदर आएंगे एंड उसके बाद ही आप लोग को गेम के अंदर रैंपेज का इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। बाकी भाई यहाँ पर अगर आइटम्स की हम बात करें तो भाई आपको मिलने वाले एक न्यू इवोल्यूशन गन और साथ में एक न्यू हाइपर बुक तैयार किया गया है। इवोल्यूशन बंडल भी अपने गेम के अंदर आ सकता है रैंपेज के थीम पे क्योंकि इस बार का इवेंट एक बहुत ही बड़ा इवेंट रहेगा, पहले आपको बोला हूँ। देन आपको गुलवाल का स्किन, ग्रेनेड स्किन, कटना का स्किन, ये सब भी अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं रैंपेज स्पेशल, जिन सारे आइटम्स का रिव्यू आप लोग गाइस यहां पर देख पा रहे हो। अब मेन मुद्दा बात यह है कि रैंपेज इवेंट को फाइनल क्यों लिखा गया था, आप लोग यहां पर रैंपेज इवेंट का जो मेन लोगो है वो भी देख पा रहे हो, वो देखने में कुछ ऐसा होने वाला है। एंड गाइस को यहां पर भी लिखा गया है रैंपेज फाइनल, मतलब कि भाई देखो इस बार का जो गेम के अंदर रैंपेज इवेंट आप सबको देखने को मिलने वाले हैं ये शायद रैंपेज का लास्ट इवेंट रहेगा, मतलब कि बिल्कुल लास्ट और फाइनल इवेंट, इसके बाद कभी भी गेम के अंदर रैंपेज इवेंट नहीं आने वाला है। शायद इसलिए गनरब्रो ने बिल्कुल भाई ये लिख दिया है रैंपेज का फाइनल इवेंट, जिसलिए भाई इस बार का जो इवेंट रहेगा वो एक बहुत ही बड़ा एंड मेगा इवेंट अपने गेम के अंदर आने वाले हैं रैंपेज को बिल्कुल लास्ट बार सेलिब्रेशन करने के लिए। एंड भाई ये भी हो सकता है कि बस इवेंट का एक ऐसा नाम हो रैंपेज फाइनल, हो सकता है नेक्स्ट साल यानी कि अगले साल आपको दोबारा फिर से रैंपेज का इवेंट देखने को मिल जाए, और अगर ऐसा होता है फिर तो भाई मजेदार अलग ही बात रहेगा। बाकी हाँ गाइस आप सभी को रैंपेज के थीम पे बिल्कुल फ्री में बंडल, कुछ ओल्ड बंडल्स एट साथ में भाई इमोट, गन स्किन, पैरासूट, जो इतने सारे लूट बॉक्स वगैरह होता है, लूट बॉक्स, सर्वो वॉर्ड, ये सबको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। कुछ मिली ओपन के स्किन भी दिया जाएगा एंड इमोट और भी काफी सारे आइटम्स होंगे जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं रैंपेज के थीम पे। एंड हाँ ऑल्सो भाई मैजिक क्यूब भी मिल सकता है। अब थोड़ा सा लेट इवेंट स्टार्ट होगा इसलिए गाइस अभी तक पूरा कंफर्मेशन आया नहीं है, जैसे कुछ और लीक्स मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी आप सबके लिए लेकर आ जाऊंगा। बाकी मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।